मैम दिवाली आ रही है तो मैं सोच रहा था छुट्टी मिल जाती। मैम परिवार की बहुत याद आ रही है और मैम टाइम पर सैलरी मिल जाती तो। क्या है तुम्हारा हर बार का ड्रामा? कभी दिवाली, कभी होली, कभी कुछ नहीं मिलेगी छुट्टी। और रही बात सैलरी की, तो वो बाद में मिलेगी। पता है ना अभी कितना खर्चा हो रहा है दिवाली के चक्कर में? मैडम एक बात बोले। क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? कभी शांति से टीवी भी नहीं देखने देते। बोलो क्या काम है? मैडम वो दिवाली आ रही है। हाँ तो मैम दिवाली आ रही है तो मैं सोच रहा था छुट्टी मिल जाती। मैम परिवार की बहुत याद आ रही है और मैम टाइम पर सैलरी मिल जाती तो। क्या है तुम्हारा हर बार का ड्रामा? कभी दिवाली, कभी होली, कभी कुछ नहीं मिलेगी छुट्टी। और रही बात सैलरी की, तो वो बाद में मिलेगी। पता है ना अभी कितना खर्चा हो रहा है दिवाली के चक्कर में? पर मैडम हमें पैसों की बहुत जरूरत है। कोई परवाह नहीं, हर टाइम बस पैसे चाहिए। अपने जाके काम कर लो। ऋतिक, ऋतिक कहाँ गया ये मेरा ड्रॉर क्यों खुला है? इसको तो मैंने लॉक किया था। मेरे गहने कहाँ गए? ऋतिक, भगवान कहाँ चला गया ये ऋतिक? पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं पर भी गहने नहीं मिल रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही मेरे गहने चुरा के भाग गया हो? मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। तू यहाँ इस थैले में? क्या हुआ मैडम, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मेरे गहने का है, बता मेरे गहने का है। मैम कौन से गहने? मैम एक तो चोरी करता है, ऊपर से शरीफ बनने का नाटक करता है। नहीं नहीं मैम, मैंने चोरी नहीं करी, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैम क्या चल रहा है सब? तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। ऋषभ देखना, इसने मेरे गहने चुरा लिए, ऊपर से बेशर्मों की तरह झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं करी सर। सही तो बोल रहा है ये, पॉलिश के लिए गहने मैं लेकर गया था। इतनी जल्दी भूल गए? तुमने कहा तो था कि पॉलिश कराने हैं तुम्हें गहने। अच्छा तो आपको मुझ पर शक था? देखिए मैडम, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। आज तक आपने मुझे इतना भला बुरा कहा, मैंने आपको कभी जवाब दिया नहीं, लेकिन आज आपने मेरी ईमानदारी पर शक किया। सर मैं यहाँ और काम नहीं कर सकता। अरे भैया इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ ना आपसे। नहीं सर, गलती आपकी थोड़ी है, गलती तो इनकी है। सर मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रुक सकता। भैया हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का परफेक्ट मॉरल क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, और हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे। जय हिंद, थैंक यू।